हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ये देखिए मुमताज स्टाइल साड़ी। फ्रेंड्स देख सकते हैं, आज मैंने इनको मुमताज स्टाइल साड़ी पहनाई है। फ्रेंड्स अभी चल लो पूरी साड़ी आने से। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैंने मुमताज स्टाइल साड़ी आपको आज पहनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स तो चलिए मुमताज स्टाइल साड़ी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हाँ जी फ्रेंड, सबसे पहले आप इस कोने को लेंगे और सेंटर में इसको पेटीकोट में दबा लेंगे। फ्रेंड इसी तरह है, आपको चारों तरफ लपेट लेनी है। लपेटने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी प्लेट्स बना लीजिए जिससे कि आप जब चलोगे फ्रेंड तो साड़ी फंसेगी नहीं। देखिए आप इसकी प्लेट्स बना लीजिए फ्रेंड, चार पांच, जितनी आपकी लंबी हो साड़ी उतनी आप प्लेट्स बना सकते हैं। फ्रेंड एक बात ध्यान रखिए कि मुमताज साड़ी में आपको 5.5 मीटर की साड़ी लेनी है, नहीं तो ये छोटी पड़ जाएगी। जितनी लंबी साड़ी रहेगी फ्रेंड्स उतनी अच्छी बनेगी। तो आपको ये प्लेट्स लेना है फ्रेंड्स और इनको ये डाल लेना है। देखिए उसके बाद आपका ये सिरा, ये देखिए आपको अपना ये सिरा लेना है और इसको थोड़ा सा, ये देखिए आप देख सकते हैं इसको मैंने हल्का सा, ये दो तीन छोटे छोटे ऊपर प्लेट्स बना लिए फ्रेंड। इसको आपको नीचे से देखना है कि बॉर्डर के ऊपर फ्रेंड्स बॉर्डर है और इसको दबाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको धीरे धीरे बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर लेके, ये देखिए आपको फ्रेंड्स दिख रहा है उधर, एक बॉर्डर, दो बॉर्डर और थर्ड बॉर्डर मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए एक बॉर्डर आ गया, दो बॉर्डर आ गया फ्रेंड्स, तीसरा बॉर्डर ये देखिए आप, इसका गैप बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए आप, ये घूमो और चौथे राउंड में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस साड़ी को पीछे सेंटर से ले जाके और आपको यहां से बॉर्डर पकड़ लेना है फ्रेंड्स और इसको आपको इस तरह से देखिए फ्रेंड कितना इजी है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूं, आपको यहां पे एकदम एकदम पतला सा पल्लू लेना है फ्रेंड्स। मुमताज जी ने काफी छोटा पल्लू ले रखा था फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा पल्लू बता रही हूँ क्योंकि ये साड़ी पूरी 5.5 मीटर की फ्रेंड, अगर आप 5 मीटर की साड़ी लोगे तो आपका पल्लू छोटा जाएगा। तो आपकी 5.5 मीटर अगर साड़ी है फ्रेंड्स तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपकी एक प्लेट्स और बन जाएगी और साड़ी बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। देखिए ये देखिए छोटा पल्लू बन गया मुमताज जी की तरह फ्रेंड्स और ये आपका इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जब होगा फ्रेंड्स, जब आप 5.5 मीटर की साड़ी लेंगे ये, तो आपका क्या है, ये राउंड 4 लग जाएंगे फ्रेंड। अगर आप 5 मीटर की नॉर्मल साड़ी लेते हैं तो आपके ये 3 ही राउंड लगेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 1.5 मीटर की साड़ी क्या है आपकी प्लेट्स में चल जाती है। जितना आप प्लेट्स अच्छी बनाओगे फ्रेंड्स तो आपको चलने में ईजी रहेगा।
तो मैं इसकी आपको केवल तीन ही प्लेट्स बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। आपको तीन प्लेट्स के बाद देखिए साड़ी को यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, आपको यहाँ एक आप पिन लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पीछे की साइड में एक पिन लगा दिया है। आप चाहें तो खुला बॉर्डर भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह हाथ के ऊपर भी रख सकते हैं। तो कुछ जैसे आपको नया लुक कैरी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको मुमताज जी की तरह है, अगर छोटा पल्लू रखना है, तो आप फ्रेंड्स इसको प्लेट्स बना के यहाँ और ये छोटा पल्लू भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो आप चाहो जैसा कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने आज आपको मुमताज साड़ी पहनना सिखाया है फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से पहनना सिखाया। आप इसको फ्रेंड्स ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुमताज साड़ी, पीछे घूम जाओ, देखिए आप घूम जाओ बेटा, ये देखिए फ्रेंड आपने, मैंने आपको आज मुमताज साड़ी पहनना सिखाया फ्रेंड्स। आपको मुमताज साड़ी कैसी लगी, पहनने का तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर पहनने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड। मैं आपको आगे और भी साड़ियाँ लेके आने वाली हूँ, आप फ्रेंड इसको ट्राई कीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है फ्रेंड तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब दूँ। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको साड़ी कैसी लगी, और अगर कुछ मिस्टेक है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। पूरी साड़ी आनी चाहिए आगे पीछे तक। पीछे और पीछे और पीछे और पीछे।